और वेजिटेरियन रेसिपीज, अलग अलग क्यूजिन की रेसिपीज, मीठी मसालेदार यूनिक सी रेसिपीज के लिए आप मेरी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर से क्लिक कीजिए ताकि जब जब मैं नए वीडियोस डालूंगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वेलकम टू अल्पाहार, मेरा नाम अल्पा शाह है। आज मैं परुषण के लिए एक बहुत ही सिंपल पुलाव की रेसिपी लाई हूँ। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत ही फ्लेवरफुल टेस्टी पुलाव बनाएंगे, वो है दाबेली छोले पुलाव। छोले पुलाव, अक्सर आप छोले पूरी तो खाते होंगे, आज छोले पुलाव बनाया है और उसमें फ्लेवर मैंने दाबेली मसाला का दिया है। ये देखिए इंग्रेडिएंट्स में मैंने 1 कप बासमती चावल को आधे घंटे के लिए भिगो दिया था, आधे कप छोले जो काबुली चने होते हैं उसे मैंने भिगो के बॉईल कर लिया है जो अब 1 कप जितना हो चुका है, और 3 टेबलस्पून मैंने दाबेली मसाला लिया है। इसके अलावा हमें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं, सारे फ्लेवर सारे मसाले की टेस्ट सब इसमें ही आ जाएगा। मैंने कढ़ाई में 1 टेबलस्पून घी ले लिया है। घी हल्का सा गर्म हो जाए सबसे पहले मैं इसमें मसाला डाल दूंगी, दाबेली मसाला, और मीडियम आंच पे हम मसाले को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। सिर्फ 30 से 40 सेकंड के लिए ही हमें इसे घी में थोड़ा सा भून लेना है ताकि इसकी फ्लेवर बहुत ही ज्यादा एनहांस होके बाहर आए। ये मेरा घर पे बनाया हुआ दाबेली मसाला है। अगर आपको भी घर पे बनाना सीखना है तो कमेंट्स में ज़रूर से दीजिएगा, मैं ज़रूर से इसकी रेसिपी अपलोड कर दूंगी। इस तरह से थोड़ा सा भुनने के बाद जो काबुले चने हैं बॉईल किए हुए उसे डाल देंगे। अब मीडियम आंच पे हम इसे 1 मिनट के लिए इस मसाले के साथ सौते कर लेंगे। इस तरह से अच्छे से सौते करने के बाद मैं इसमें जो बासमती चावल है भिगोए हुए उसे डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे, नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। नमक के साथ भी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने 1 कप चावल लिया है तो सामने 2 कप मैं पानी डाल दूंगी। तेज आंच पर मिक्स करने के बाद एक उबाल आने देंगे। इस तरह से एक बॉईल आने लगा है, सिर्फ एक बार हल्के हाथों से मिक्स करके गैस की आंच को हम स्लो करेंगे और ढककर 10 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। 10 मिनट हो चुकी हैं, हम चेक कर लेंगे। देखिए हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे, परफेक्ट मेजरमेंट पानी हमने डाला था, राइस कुक हो चुके हैं। गैस को बंद करके हम 10 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही ढककर छोड़ देंगे। बहुत ही फ्लेवरफुल टेस्टी ऐसा छोले दाबेली पुलाव बनके तैयार है, आप भी जरूर से ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर से प्रेस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट जरूर से दीजिएगा। थैंक यू।